ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बानमौर के अध्यक्ष पूरन यादव द्वारा बानमौर तहसील पर धरना प्रदर्शन कर आमजन की विभिन्न समस्याओं को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर संजय छवाई, लोकेंद्र यादव कार्यकारी अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी मुरैना, भूरा मवाई, अमरतलाल पटेल, नवाब खान, सोवरान शाक्य बाबूजी, भीकाराम, राकेश माथुर, पूरन कुशवा, शैलू पटेल के साथ तमाम वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। हम राज्यपाल महोदय का नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं, इसमें हमारी जो किसानों की आर्थिक परेशानियां हैं, बिजली दरों में जो बेहतासा वृद्धि की जा रही है, कस्ताहाल सड़कें, महिलाओं बालकों से दुराचार, अनुसूचित जनजाति और जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके साथ अन्याय और अत्याचार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया जा रहा है। हम उसके खिलाफ ऑलरेडी हमारे नेता मध्यप्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में उनके निर्देश पर हम पूरे प्रदेश में सारी तहसीलों पर सारे ब्लॉकों पर हम ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। संकेत हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारी आवाज को माननीय महामहिम महोदय तक पहुंचाया जाए और जो दलितों के साथ विशेष दलित और हमारे जो अल्पसंख्यक भाई हैं उनके साथ जो अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है, जो बुलडोजर एक कल्चर है वो चलाया जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कोई अपराधी हो तब भी आप उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते, क्योंकि उसके घर में उसके माता है, पिता है, भाई है, बहन है। दोषी एक व्यक्ति हो सकता है, हम किसी दोषी के साथ नहीं, हम दोषी के खिलाफ है। कोई भी व्यक्ति हो वो दोषी हो, आप उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लेकिन ये बुलडोजर कल्चर खत्म होना चाहिए। इन्हीं सब मांगों को लेकर हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सारे बाबूजी आ गए ना, अरे आप लोग सब लोग हमारे सारे पदाधिकारी सारे कार्यकर्ता हमको ज्ञापन सौंपते हैं। फुल सेट दे।